साल आपको दूंगा। वो ना अशरफ मखलूकात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा एक दाना था, अकलमंद इंसान था, वो गया, वो ना जोहर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि मेंढक, तीन मेंढक ना डूब रहे थे, तो बाकी सारे उसके चारों तरफ खड़े हो रहे थे, कहते डूब गए, तुम मर गए, खप गए। उन्होंने दोनों देखा कि इतना मुआशरा कह रहा है कि हमें जाना है, तो दोनों ने अपनी हिम्मत हार दी। उन्होंने एक दफ़ा ट्राई की बाहर निकलने की, दो दफ़ा की, तीन दफ़ा की, चार दफ़ा की, बस ख़त्म। उन्होंने जब देखा कि लोग कह रहे हैं कि यार तू नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी, उन्होंने स्ट्रगल छोड़ दी अपनी, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। फिर वो जो एक मेंढक रह गया था, उसने कोशिश जारी रखी, वो फिर डूबा, फिर निकला, फिर डूबा, फिर निकला, फिर आखिरकार वो बाहर आ गया। तो वो बाहर वाले मेंढक आने, ये दूसरे तू मर कि ये कैसे, तू बच कैसे गया, कहते सानू भी हूँ तू दस ना बच तू कैं गया है। तो उसने बताया है, वो सुनता ही नहीं था, कानों से बोला था, उन्होंने बाद में पता चला इसको तो सुना ही नहीं देता था। उसने अपनी हिम्मत इसलिए नहीं हारी, उसने फिर कोशिश की, उसके जहन में था कि मैंने इधर से निकलना है, मैंने तब बचना है। तो उसके जहन में कोई नहीं, उसने कहा मैंने निकलना है। उसने कोशिश की, बार बार कोशिश की। आपको जिंदगी के इम्तहान में अकेला छोड़ दिया जाए, आपके साथ भी लोग, वो एक दाना था ना कहता, उसने कहा था कि जो हीरा होता ना हमेशा अकेला पाया जाता है, भीड़ में हीरे नहीं मिलते, लीडर हमेशा भीड़ में नहीं होता, लीडर अकेला होता है जिसके दिल में तजस्सुस लगा होगा कि मैंने अपने मुल्क को, मैंने सोसाइटी को, मैंने चेंज करना है। वो एक शेर की ज़िंदगी जीता है, वो अकेला चलता है, उसका जिक्र अल्लाह पाक ने बढ़ाया होता है, वो गिरता है, वो उठता है, कहता है मुझे बस मैंने उठना है, मैंने आगे जाना है, मैंने कामयाब होना है। वो अपने जहन में ये बात लेकर चलता है। देखें भीड़ें चल रही हैं ना, वो ग्रुप वाइज चलती हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने लीडर को फॉलो करना होता है, वो आगे आगे उनका सरदार रहा, जो पीछे पीछे भीड़ें, कोई भीड़ निकलती नहीं साइड को, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड बनाया होता है कि हमने सबके पीछे पीछे जाना है, हमने इसके पीछे ही जाना है, तो हमने इनके पीछे पीछे जाना है। देखें वो पेड़ हैं, आपने पेड़ों की ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपने नज़रियात रखने, अपने अपने मोटिवेशन रखने, अपने लेक्चरार रखने, अपने अपने नज़रिए रखने, अपने ख्वाब रखने, आपने शेर की ज़िंदगी जीनी है। आप किसी भी साइड पर जाएं, जितने मर्जी जाएं, अपना नाम पैदा करें, आप कॉलेज में जाएं, आप स्कूल में जाएं, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आप सोसाइटी में जाएं, जितने भी बड़ा आप पूरी दुनिया में अपना नाम क्रिएट करें कि हाँ वी आर अ ब्रांड, हमने अपनी हिम्मतें नहीं हारी, हमने बड़े ख्वाब देखे हैं, अल्लाह पाक ने हमें ट्रेंड किया है। तो मैं उन सब बहन भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो एक दफ़ा कोशिश करके हार जाते, नहीं अल्लाह के बंदू जब आप एक दफ़ा हारते हैं तो अल्लाह पाक आपको बेसिकली ट्रेन करता होता है अगले इम्तहान के लिए, आपको उससे आगे, अगर आप एक दफ़ा हारते हैं फिर उठते हैं, नहीं ट्राई करते, अगर हारते हैं आपने कहा इसी दफ़ा मैंने जीना, आगे आपको